अमरुता वृष्णिमातिरा सौवन्या बाणो विदधे गो जगमाया अग्निर्जिवा मन्मा सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमण्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थरैरङ्गैतश्रवागुं सस्तनो भर्वशेमहि देवाहिदं यदयोः शतमिन्न शरदो यन्ति देवा यत्रा न शक्रः जर्षं धनो नाम पुत्राशो यत्र वितरो भवन्ति मानव्यारीर्गतारिगन्तोः अदितिज्वरदतिरन्तरक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जनाः अदितिर्जातमदतिर्जनित्वं मा द्योः शान्तिरक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदया शान्ति बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भैया माइक दे दीजिए, दूसरा वाला किसके पास है माइक? माइक दूसरा वाला माइक दे दीजिए। जय श्री राम। सभी से निवेदन है यहां बंद कर दें और ये खाली कर दें, कोई खड़ा नहीं रहेगा, पूरा खाली कर दें, पूरा खाली कर दें, पर्दे को बंद कर दें, कोई भी यहां खड़ा नहीं रहेगा, पीछे का पूरा बंद करवाइए। जय श्री राम। पूरा यहां से कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी से निवेदन है। बोले बागेश्वर धाम की। आप सभी पूज्य महाराज श्री के संकल्प से जुड़ सकते हैं। जैसा कि सभी को आपको जानकारी संकल्प के बारे में अभी जो भी आपको बताया है, और कितने लोग बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाए अभी, क्योंकि जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे ही आपको उपलब्ध होगी। जन जन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, क्योंकि जो भी पुण्य लाभ आपको मिल रहा है आपके मित्र मंडल को, आपके रिश्तेदारों को मिले। तो जो भी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ा है उसको आप अपना फोन निकालिए, जो भी इनवाइट फोन लिए उसको निकालिए और यूट्यूब पे जाइए, बागेश्वर धाम इंग्लिश में बागेश्वर धाम सरकार आप डालेंगे तो साइड में बालाजी सरकार की चित्र आएगा, जो सामने बागेश्वर बालाजी है, ये जो सामने आप देख रहे हैं बागेश्वर बालाजी है, बागेश्वर धाम के बाला से बागेश्वर बालाजी यही है, उस पर आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बागेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी, पूज्य महाराज श्री के रोज के प्रवचन उद्बोधन आपको डेली अपडेट होते रहे। तो सभी से निवेदन है, सभी लोग इससे जुड़े और अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मते बागेश्वराय नमः, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी देवाय नमः, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे जगद्गुरु परंपराम, वंदे श्री गुरु परंपराम, वंदे जगद्गुरु परंपराम। मनोज बंबारुति तुल्य बेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथि मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाली लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। श्री सीताराम भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, गैया मैया की, भारत भूमि की, भूदेव ब्राह्मणों की, सब संतों की, सब संतों की, नमः पार्वती पते हर हर। हरि शरणम। उपस्थित आप सभी सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगपानी, सबको बारंबार प्रणाम वंदन। विदिशा नगर वेत्रवती नदी के पावन किनारे पर बसा हुआ यह शहर सनातनीय संस्कृति के संस्कारों से भरपूर नगर है। यह ऐसे पावन नगर में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा और श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की दया हुई तो आज से विगत दो दिन तक, आज और कल दो दिन तक श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार इस प्रांगण में लगेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की अर्जियां, प्रयास है ज्यादा से ज्यादा भक्तों की अर्जियां श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में स्वीकार हो जाएं। कृपा करने वाले देखो भाई बालाजी हैं, हम तो माध्यम है, कुछ नहीं जानते, कोई जादूगर है नहीं कि हम आपको खेल दिखा सकें। हमें तो जो प्रेरणा श्री बालाजी महाराज देवेंगे हम आपको इसी आधार पर बताएंगे। पर बागेश्वर बालाजी का दरबार विगत तीन पीढ़ियों से चल रहा, हमारे पूज्य दादा गुरु जिनका विग्रह इस तरफ लगा हुआ वो भी बालाजी के कृपा पात्र थे, हमारे दादाजी हैं, और आपके चरणों में 10 साल हमें आपकी शरीर रूप में सेवा, शरीर की चरणों में सेवा मिली। तो पूज्य दादा गुरु भी दरबार लगाते रहे 40 वर्ष तक, और दादा गुरु के पूर्व में भी 110 वर्ष पहले एक दिव्य संत हुए, दास की ही वंश में, इस दास के ही वंश में पूज्यपाद
श्री श्री 108 श्री गोले महाराज जी, वो तो ऐसे महात्मा हुए, हम तो पर्चे पर लिख भर पाते हैं कि आप क्या पूछेंगे। वो तो ऐसे सिद्ध महात्मा हुए श्री बागेश्वर बालाजी के, कि वो लिख देते थे, पर्ची जेब में डाल देते थे कि आप यहाँ से उठकर किस दुकान पर चाय पियेंगे, वो कितने नंबर का नोट देंगे और वो इतने कितने रुपया वापस करेगा। आपकी क्षमता नहीं थी कि वो पर्ची गलत कर दें। और उस वक्त भी बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वहाँ के छतरपुर जिले के आसपास के बड़े बड़े पदाधिकारी शोध करने आते थे। एक बार ऐसे ही एक आफत विधि, एक चोरी बता दी तो जज के सामने ने हाजिर किया गया। जज के सामने हमारे दादा गुरु के गुरु प्रथम संत बागेश्वर धाम के पहुँचे तो जज मिश्रा थे उस वक्त, केडी मिश्रा। उन्होंने कहा कि भाई तुमने कैसे बताया कि इस चोरी को अमुक व्यक्ति ने किया है। वो व्यक्ति भी सामने खड़ा था। उन्होंने कहा श्रीमान हमने विचार करके बताया है। बोले ऐसे नहीं है, तो सब स्वांग है, पाखंड है, बेफुजली का तुम तमाशा बनाए फिर रहे हो। एक बेचारे निर्दोष आदमी को तुमने फंसा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। तरह तरह की बातों से उन्होंने, जज ने अपनी पीठ से बोला। तो ये शांत खड़े रहे, बड़े सहज महात्मा थे, महात्मा भाव के थे। आप शांत खड़े रहे, आपने कुछ नहीं कहा। जज ने कहा हम आपकी परीक्षा लेंगे तब मानेंगे कि हाँ इसने चोरी की है। तो जज ने अपने हाथ की घड़ी धीरे से फाइलों के बीच में दबा दी थी पहले से ही, और बोले अच्छा बताओ इस फाइलों के बीच में क्या है। जज ने सोचा क्या बताएंगे, कागज है यही बताएंगे। तो बोले बताओ इस फाइलों के बीच में क्या है। तो पूज्य दादा गुरु के प्रथम गुरु जी, जो दास के प्रथम संत हुए इस परंपरा के बागेश्वर धाम के, पूज्य स्वामी श्री 108 श्री गोले महाराज जी ने आंख मीची, बागेश्वर बालाजी का ध्यान किया कि सरकार अब नाक बचाओ। तो उन्होंने तुरंत प्रेरणा दी बालाजी ने, और आपने तुरंत बड़े भावावेश में आकर के इस प्रकार कटघरे को पकड़ा और बोले मिश्रा तूने 11:22:36 में अपनी हाथ की घड़ी इसमें लगाई है। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। वो शरणागत हो गया, अपनी कुर्सी से उठ करके प्रणाम किया, उसने वंदन किया, और वहां से फिर दरबार की परंपरा प्रारंभ हुई। तो फिर दादा गुरु पर कृपा हुई, फिर जो आगी को लगो राक्षस हरामी कबाड़ी भव ई पे कृपा भई, आज लो बालाजी चला रहे, और जब लो जो शरीर राने हो हमें नहीं भी राने, तब लो बागेश्वर धाम की कृपा बरसत राने। बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, जहाँ वर्तमान में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वर्तमान में ही राष्ट्रीय चैनल न्यूज 18 इंडिया ने वहाँ 5 दिन शोध किया, जिसका प्रोग्राम है आधी हकीकत आधा फसाना। सुबह फसावे गए थे लेकिन उनकी भी ठटरी सी भर गई थी। 5 दिन उन्होंने शोध किया, 6 महीने दिल्ली से ऑब्जर्व करते रहे, और 5 लोग जिसमें एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं उसके पत्रकार हैं सैयद सोहेल जो उस कार्यक्रम को करते हैं, वो अपनी टीम को लेकर के पहुंचे। 5 दिन उन्होंने बड़ी बारीकी से शोध किया, जो जो उनके पास दाव पैंच हते सब खेले, पर जहां हनुमान जी का दाव चले वहां किसका दाव चले। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अंत में वो भी नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, बोले महाराज कुछ नहीं बहुत कुछ है। और उन्होंने वीडियो में बोला भी आप कार्यक्रम देखिएगा, 1 साल तक फ्री चलाना है उन्हें वो कार्यक्रम। दरबार में जब वो नतमस्तक हुए तो दरबार में बोले महाराज हमने पूरे देश का भ्रमण किया, कई जगहों पर हमने रिसर्च किया, एक्सपोज किया कई जगहों पर पहली बार हमारा चैनल किसी दरबार में हारा। हमने कही हमने तुम्हें हराने के लिए नहीं कृपा करवाई है, हमने तो सिर्फ इसलिए कि आज भी भगवत कृपा होती है ये दिखाने के लिए बालाजी से प्रार्थना की। तो विदिशा में भी बालाजी की जितने भक्तों पर कृपा हो जाए, देखो हम तो भाई माध्यम है, हमें हमारे लो है देखो भैया वाईफाई टावर लगो मंदिर पे होता ही बागेश्वर धाम पे, सो इमें जैसे सिग्नल आए हम उसे ही बोल भी, पर सिग्नल अगर आ गए तो तुम रोक नहीं सकता। और जो ऐसो कौनू विषय नहीं है कि जौन हमारे वाईफाई में ना आए, ये भी पक्का है। जहाँ हमारे हनुमान जी की दया है, और तुम में क्षमता हो तो रोक लइयो, बाई भाई के सिग्नल लेस कर दइयो। लेकिन ऐसा आज तक 10 साल से हम बैठ रहे, जो पर्चे पर लिख दिया वो फिर गलत निकलने वाला।
नहीं है, क्योंकि कृपा करने वाले बालाजी, दया करने वाले बालाजी, बताने वाले भी बालाजी हैं। हम तो माध्यम है भैया, कुछ नहीं जानते, सीताराम भर जानते हैं। बस जो वो हमें प्रेरणा देंगे, हम आपको मार्गदर्शन देंगे। दरबार के नियम सुन ले, कम समय है क्योंकि बहुत लेट आ पाए हैं हम, चूँकि कल बहुत ज़्यादा अति व्यस्तता हो गई। फिर रात्रि काल में 2 बजे तक बैठे रहे और प्रातःकाल से वही नित्यादि क्रियाएँ आगे को लगो शरीर है। पहले तो जवान हते से खूब 18-19 घंटा बोल लेते बैठ लेते, अब बुढ़ापो आगो आगे को लगो, अब नहीं उतना चल पाऊ था। हाँ अच्छा, काम भी हमें कछु नहीं, हमें बब्बा जी ने एक ही काम ना बोले, भभूति बांटो आशीर्वाद दो, दूसरों कोई काम नहीं, चाहे जहाँ जाओ एक ही काम है। अब जैसी हनुमान जी पूछ घुमाए, बागेश्वर धाम पर जो नियम है वो ध्यानपूर्वक सुन लें। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद रखना है, मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। नियम का पालन ना कर पाए तो बिल्कुल ना, आप अर्जी लगाओ, मूड़ धर के पाँव परो, तमाशो देखो, चले जाओ। जिसके लिए तमाशा है उसके लिए तमाशा है, जिसके लिए भगवत कृपा है उसके लिए हनुमान जी का दरबार है। बोली हनुमान जी महाराज की। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, कौआ तमाशो लगे, कौआ जादूगरी लगे, कौआ सिद्धि लगे, कौआ भगवत कृपा लगे, कौआ कछु लगे, मुंडे मुंडे मतरे भिन्ना, जैसे मूड वैसे भाव। तो जिस प्रकार का आप भाव रखोगे वैसी कृपा होगी। हमें जो बालाजी प्रेरणा देंगे हम आपको बताएंगे। मन में राम नाम का जप करना है, लहसुन प्याज बंद रखना है, बागेश्वर धाम का दरबार निःशुल्क है। धाम पर बस एक ही दिक्कत है, होते भीड़ हो, जिनकी अर्जी ना लग पाए टोकन नंबर धाम पर प्राप्त होते हैं। बस कारण ये है कि पहले तो 2-4, 10-15 दिन में नंबर आ जाऊ, तो अब 5-6 महीना में नंबर आऊ। कौन कौन गया बागेश्वर धाम विधि साहब? अरे बहुत जाने हुआ है, कोल्ले बजाने यहाँ हो आए, हम आए जान तो हम पहली बार विदिशा आए, ये सब नैनोहारे या बैठे, तो टोकन नहीं मिलेगा तुम ओन है। टोकन कितना गए हो, कितनी कम भीड़ हती, 50,000-60,000 के लगभग हती। अब भैया क्या करें, तब मैं तो बहु है। अब भैया जैसी बालाजी पूछ घुमाए, पर मंगलवार लगभग 15,000-20,000 समुदाय पहुंचता है। जिस दिन टोकन वितरित होते हैं लगभग 50,000-60,000 भीड़ पहुंचती है। ऐसा भारत का पहला धाम है जहां दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, और दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। वो है बागेश्वर धाम, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर है, जहां पर प्रति महीना बिना किसी से दान लिए हुए 1,00,000 भक्तों को निशुल्क भंडारा कराया जाता है। और दे दो सो नहीं, हम जात के बामो ना है, कौन हमने को लखा है। ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, इति षटकर्माणि ब्राह्मणा, सो तुम्हारी जितनी क्षमता हो दे दियो। पर दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं ली जाती ना लगती है, ये गांठ बांध लें। कोई मांगे तो उसको बिल्कुल जो है विरोध करो, धाम पूर्णतया निःशुल्क है। प्रतिदिन लगभग 200-300-150 जितनी अर्जी बालाजी सुनते हैं प्रतिदिन वहाँ अर्जी लगती हैं। महिमा बागेश्वर धाम की है, किसकी है, हमारी कोई महिमा नहीं है, ये बिल्कुल गांठ बांध लें। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की है, कृपा बेही करत। लेकिन आज तक हमने अनुभव करो, हर महीना 1,00,000 भक्त बागेश्वर धाम जा, तो हम पूरे देश में गए जहाँ जहाँ बालाजी ने भेजो, लेकिन आज तक हमने अनुभव करो जीने बागेश्वर बब्बा जी, वहाँ पकड़ो स्वयंभू हनुमान जी हैं, उन्हें काउने नहीं बनाओ, नहीं ने सबखा बनाओ। अगर रोत भाव गाओ तब बालाजी ने उतन से हसत भाव भेजो। बोली बालाजी महाराज की। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं। हमारे पूज्य जो सन्यासी बाबा गुरुदेव हैं, वर्तमान में 300 साल के हो गए हैं, उनकी तपोस्थली है बागेश्वर धाम, उनकी तपस्या का स्थान है श्री बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में उन्होंने अद्भुत कृपा की है, बागेश्वर बालाजी का खूब भजन किया है। ऐसा दिव्य स्थान श्री बागेश्वर धाम है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पाए। तुम नियम ही ना करो, फिर 6 दिना पग्गा पियो, 7 दिना मंगल, हाँ हनुमान जी लो आ जाओ, फिर कहो महाराज मैं तो 20 बेर हो आओ, आज लो का छुनी वाओ ठटरी के बरे, अब का हो जाए, पग्गा पी रहो, नियम कर नहीं रहो, नियम का खेल है। राम नाम का जप करो, सीताराम नाम जप करो, तिलक लगाओ, साधु संतों की जय जयकार करो, भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार करो। हाँ जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, वे बागेश्वर धाम के दरबार में आ जाए, समझ में आ जाए कि शक्तियां होती कि नहीं होती, बालाजी होते कि नहीं होते। तो बागेश्वर धाम अद्भुत दरबार है,
देश का पहला ऐसा दरबार हमने इसलिए कहा जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, भंडारा निःशुल्क और आने वाली संपूर्ण चरोत्री गरीब कन्याओं के विवाह में बागेश्वर धाम पर लगाई जाती है। जो दान पेटी एक ही जगह दान पेटी है बागेश्वर धाम में, और लगभग 40 कन्याओं का विवाह सन 2019 और 20 में हुआ और पुनः 2022 में 1 मार्च को बागेश्वर धाम पर 10-50 नहीं 108 गरीब कन्याओं का विवाह बालाजी करवा रहे हैं। ऐसा दिव्य दरबार, तब तो हमने कहा भारत का पहला ऐसा स्थान है जहां की दान पेटी से कन्या विवाह होता हो, नहीं तो दान पेटी से कहता जो है पंडित जी की फॉर्चूनर ले बात के जो है मंदिर में सोनो चांदी चढ़त, पर हमारे बालाजी दूसरे प्रकार के हैं। हम पे लोग पूछने लगा तो पत्रकार कई पूछत, बोले महाराज तुम इतना खर्च करवाते हो, एक कन्या में 1 लाख रुपया को खर्च हो तो 1.5 करोड़ को खर्चा, भंडारे को भी 15-20 लाख महीना को खर्चा, इतने आदमी लगे आउत कहाँ से हैं। हम कह दई जौन आशीर्वाद तुम्हें दई जाओ तुम्हारो धन बढ़े, धन की वृद्धि होवे, वही अंधियाई से रोज हम खुद ले लई थे तो पूछ घुमा दे। लेकिन महिमा जो भी है बागेश्वर धाम की है, ज़्यादा समय ना गवाएं, मन में सब जने राम नाम को जप करो, आओ गुरु जी से प्रार्थना करें, बालाजी से प्रार्थना करें, भी दरबार की अर्जी सुन जी की लग जाए सो लग जाए, अब ना लगे तो कहे हम प्राण दे दे का सीताराम जपो अपने आप, कबहूँ तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी, डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगा कि आप धनी हो जाओ। हाँ अब एक बार में ऐसे कितने भक्त हैं जिनने 4-5 दरबार कर ले हो, अच्छा ऐसे भी भक्त हैं 4-5 दरबार वाले भी, मतलब पहुंच गए अर्जी नहीं लगी, जो धाम पर पहुंच गए कोई बात नहीं, राम राम जपो, बालाजी से प्रार्थना भाई अपने आप कृपा कर हैं। अपना प्रश्न किसी को ना बताएं, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपने जो पूछा क्या वो पर्चे पर कलमबद्ध है, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पढ़ें, देख कर विश्वास करें, मूर्ख बिल्कुल ना बने, विज्ञान का जमाना है, आप बिल्कुल भी पागल ना पड़े, देख कर विश्वास करें। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो पर्चे पर लिख दिया वो हनुमान जी गलत कर दें, ऐसा आज तक नहीं हुआ। वही पूछें जो आप सुन सकें, हमें बता भी मैं नहीं था कौन हूँ, दिक्कत नहीं है, कॉल लो ही हमने खाए ना कसम खा के आए कहा है, तुम तो जो पूछो सो हमें बता भी मैं, फिर हमारे लो तो सब सिस्टम है, तो मैं का पूछना, अपना विषय पूछो, मूल प्रश्नों का प्रश्न उत्तर लें। हम मार्ग बता सकते हैं, समाधान दे सकते हैं, नियम बता सकते हैं, चमत्कार तो बालाजी जी कर हैं, हमें भी जो प्रेरणा दे हैं हम वो तुम्हें बता सके, हम साउंड सर्विस आए, हम चमत्कार नहीं कर सके, हम कृपा नहीं कर सके, फिर है तुम्हारी निष्ठा। अब तुम सोचो हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, एक कछु हुई है। सीताराम जपो सब जन है, सीताराम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लाइव चल रहा, अच्छा बागेश्वर धाम चैनल पे लाइव चल रहा, अपना अपना मोबाइल पे देख भी सकते हो, घर बैठे हुए पूरे देश विदेश में लोग देख रहे होंगे, तो लाइव भी बागेश्वर धाम चैनल पे चल रहा है दरबार, बागेश्वर धाम चैनल पे आप इस दरबार को लाइव भी देख सकते हैं घर बैठे हुए, जय जन घर बैठे सुन रहे सबका आशीर्वाद। और यूट्यूब पे जो लाइव देख रहे हैं तो मैं बता दें भैया अभी टोकन नंबर 15 दिसंबर तक फुल हैं, अभी बीच में धाम पे ना आइयो, भीड़ ज़्यादा हो, प्रतिदिन 1,000-1,500-2,000 लोग आउत, और हर मंगलवार 15,000-20,000 आउ, तो सब जने आउ के हमें जाने हो महाराज तुरंत मिल जाने, पर्चा तुरंत बन जाने, जैसे घर के कक्काजू हों। हाँ भैया होते दे टाइम लगा, हम भी आदमी आए, मशीन तो आए नहीं कि चलो महाराज चार्ज कर दो फिर बैठा दो, डिस्चार्ज भन्ना हो पाए, ऐसी तो सिस्टम है नहीं, हम भी मानव हैं भैया। तो बागेश्वर धाम जो भी आइयो टेम लेके आइयो, हम देखो जो भी बोले मुँह पे बोले स्पष्ट बोले, चाहे बुराव लगे चाहे साजो लगे, भैया जो भी बागेश्वर धाम आए समय लेकर के आए, क्योंकि महिमा श्री बागेश्वर धाम की है, आप उनके चरणों से जुड़े, हनुमान जी दया करें। जय जय सीताराम। जो भी जानकारी लें आजकल भैया हरो का हो लगो आगे को लोगो बागेश्वर धाम के नाम से मलक की लो आई नहीं बना दी, मुँह तो बता हुआ है सो मुँह पे जी कान लाए तुम बोलत रहो करे महाराज, कई जन ने आई डी बना ली चैनल बना ले और उसमें गलत गलत नाम गलत गलत की आई झूठी खबरें चला दे, अब महाराज जी ईद ना इतने मिले हैं ईद ना इतने मिले हैं, कौन फिक्स हो ना हो अब डाल दे, अब 1.5 महीना होगा उसे एक जन ने न्यूज बनाई थी बागेश्वर धाम को चैनल बनाए थे, बोले बागेश्वर धाम सरकार की शादी फिक्स, अब बताओ चैनल पे होते खबर चलन लगी, हमारे लोग फोन आवे बड़े बड़े संतन के कथा व्यासन के, बोले महाराज बधाई हो बताया तक नहीं,
हम कहा भाई साहब का होगा? अरे बोले महाराज शादी फिक्स हो गई। अरे हमने कही जिये दूल्हा बनने हुए लो तो पतोनिया के दुल्हनिया को आए, हम का बता दिए। और न्यूज वाले ने डाल दी आगे के लगे ना, वो उन्हें वो चक्कर में डाल दी बका का बीबरशिप में कि बीबर जाए। फिर जब उनको पतो लगा होगा उस राजस्थान को निकलो, कही भाई साहब भैया काम भाई शादी ते बताओ। बोले महाराज हमें ऐसो मन ही मन लगो। अरे हम कही यार ते भाई साहब मन ही मन प्लेटफॉर्म पे ना डाल है, जो है पर वो डांटोगे उन्हें को चैनल ब्लॉक करवाओगे। बात ठीक है, लेकिन नाना प्रकार के संसार है, सब प्रकार के आदमी हो तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम। हाँ तो सब प्रकार के लोग हो, तो कहूँ कछु कहो थोड़ी जा सकल, जो कहु जय सो है भगवान करे काले। लेकिन जो भी जुड़े जो भी जानकारी लें बागेश्वर धाम की स्पष्ट और सत्य जानकारी बागेश्वर धाम चैनल या बागेश्वर धाम पेज पर है। आप अपना अपना मोबाइल निकालें, मोबाइल में यूट्यूब खोलें, यूट्यूब पर डालें अंग्रेजी में बागेश्वर धाम सरकार, उमें वो आ जाए बालाजी सरकार बने आ जाए हैं और उतर चैनल आ जाए है। वहाँ तो मैं वो लाल बारो बटन दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना तुम्हें और बस ई के बाद में जो है सब जानकारी तुम्हारे लोग उतरे है, सब जन जो है वो चैनल से जुड़ जाने तो उसे तुम्हें जानकारी मिलत रहे कि अब दरबार कहाँ लगने। आगे दरबार और कथा है बुलंद शहर में 19 तारीख से 27 तारीख तक बुलंद शहर में श्री राम कथा है जो संस्कार टीवी चैनल पर लाइव प्रसारण होगी। और ये भक्तमाल की कथा भी संस्कार टीवी चैनल की आईडी पर चल रही है, हमने प्रातःकाल पता किया तो संस्कार टीवी चैनल की आईडी पर ये कथा भी आप लाइव देख सकते हैं, संस्कार टीवी चैनल यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो विदिशा तो चल रहा हूँ, अब देश विदेश में फुल फॉर्म में चल रहा हूँ। आओ विदिशा बारे हैं भैया बहुत विचित्र बहुत अच्छे, अब तो इन दिन आने हैं बुराई ना करो, हंसाता रही भैया हमारी बुराई ना मानी हमारा मोह है खराब। भगवान प्रणाम कपिताओ दरस सकल दुखी बीते फिर आज मिले मोह राम प्रीते। जो भी बताया जाए उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे। हरि शरणम बोलो सीताराम। चलिए प्रथम आदेश दरबार का श्री सीताराम भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। आदेश तो पहली अर्जी तो आ रही थी भूपेंद्र नाम से, लेकिन सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे जो आप मास्क लगाए हुए बैठे हाथ जोड़े जी आप आ जाइए। मूर्ख बिल्कुल ना बने, किसी भी कार्यकर्ता सेवक या किसी भी धाम के या विदिशा की मंडली को जो भक्त मंडल है एक बार पूरे मंडल को एक बार कलतल ध्वनि से साधुवाद जरूर दीजिए। हमारे बच्चे साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, विदिशा भक्त मंडल बागेश्वर धाम भक्त मंडल जो है साहब भूदेव ब्राह्मण हैं। सबसे बड़ी बात स्वस्ति तिलक दर्शन प्रतिदिन होते हैं, एक तिलक लगाने में आसन सहित तिलक लगाने में उतना ही पुण्य मिलता है जितना एक मंदिर बना करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा के और भंडारा करवाने में फल मिलता उतना तिलक लगाने में मिलता। प्रतिदिन सबसे बड़ी बात कि हम भाग्यशाली हैं और विदिशा में ये हमने बहुत नई चीज देखी हो। कल भी हम सराहना कर रहे थे गाड़ी में और अब मंच से कोई हमारी कल रात को किसी से बात हुई, हमने कहा हम विदिशा तो आए थे पर यहाँ पर एक चीज बड़ी प्यारी मिली, यहाँ के भूदेव जितने हैं वो सब स्वस्ति तिलक लगाकर कथा में बैठते हैं, ये बड़ी बात है।
ये सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, हमारे बटुक जी, इनकी पूरी मंडली और नेमा जी वगैरह सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हृदय गदगद कर दिया साहब। देखो पैसा वाले लाखों आते हैं हमारे पास, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, हमेशा आते ही रहते हैं। बट कहे परेशानी तो सभा है सबको, रोज फिर रहो, लोग आई से रो फिर रहो, कहूँ लड़कन से रोज सब फिर रहो। लेकिन जितने भी आते हैं पैसा वाले, उनका इतना हृदय विशाल नहीं होता है। पैसा होना बड़ी बात नहीं, हृदय दिल खोना होना बहुत बड़ी बात है। कहाँ से हैं भाई साहब? अटारी खेड़ा से। कहाँ पड़ता? सागर रोड पे ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ से किसी को पहले से अर्जी आपने बताई तो नहीं? नहीं। पढ़े लिखे हो? जी। एंगारा बखरी में यहाँ खड़े हैं? जी। किसी ने आपसे पूछा तो नहीं? नहीं। हमने लिख लिया, आप क्या पूछेंगे बोलिए। मेरा बेटा है श्रीयांश, ये रक्त रोग से पीड़ित है, इसको हर 10 दिन में नजदीक आई है। जी। बालक का प्रश्न है, जिसका प्रश्न लेकर आए, बीमार रहता है, बार बार दिक्कत बनती, विगत 7 साल से परेशान है, भूत बाधा के कारण शरीर में दिक्कत है, खून की कमी होती है बार बार, डॉक्टर के द्वारा खून चढ़वाना पड़ता है, डॉक्टर ने बीमारी बताई हुई है, बीमारी के साथ भूत बाधा है, 2022 सातवें महीने से आराम शुरू होगा, 2024 तक इसे 60% आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। क्या यही विषय लेकर आए? यही पूछने, माइक से बोलो जो भी बोलो। जी बिल्कुल, यही पूछने आया जी। पहले से बताया तो नहीं था? नहीं। बालाजी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राम। ये मंत्र है पंडित जी, 3 माला करनी है। भूत बाधा का कारण ब्रह्मदेव की शक्ति है, आपके घर के ही है, उनके लिए सेना हम भेज देंगे। मंगलवार की पेशी करना है, गंगा जल की शीशी लाना है, एक औषधि धाम से मिलेगी, मंत्र का जाप करेंगे, नियम करेंगे तो बालाजी कृपा करेंगे, नहीं तो ना हम भगवान हैं ना आप इतने बड़े बारे भक्त हैं। पर जो कह दिया, जो तारीख लिख दी, अगर आप नियम करेंगे तो पर्चा उसी भांति यह चमकेगा, जिस प्रकार सूर्य भगवान अपना नियम नहीं तोड़ते, पूर्व से उदित होते, पर्चा भी वैसे ही रहेगा। बोली सच्चे दरबार की। यहाँ पहले से बताया तो नहीं था? पर्चा एकदम सही स्पष्ट, खुश रहो। जब भूति है भैया, चलो बैठना नहीं है, जिनका पर्चा बन बन जाए भाई साहब वो बैठेंगे नहीं। इसके बाद ये जो महात्मा वाली लाइन है, इस लाइन से 6वें नंबर पर जो भी बैठा हुआ जाए गिन के उठा दो भाई, महात्मा जी से 6 नंबर पर जो भी बैठा हुआ जाए, महात्मा जी की लाइन पर आप हैं 6वें नंबर पर, तो आ जाओ, और तुम ना हो दूसरो हो तो हुआ जाए, हम जो लिखे लाई पर पूछो जो हमारे पर्चा में हुई है, तुम्हारी क्षमता नहीं आके नाय माय हो जाओ, नहीं तो लगा बुद्धि। बेल्ट चमड़ा को, पर्स चमड़ा का नजदीक नहीं लाएंगे, आप हमें स्पर्श नहीं करेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये बिल्कुल गांठ बांध लें। हमारे कुछ अपने नियम हैं, उन पर बिल्कुल फॉलो बहुत जरूरी है। कैसे हम छूते आए भैया, हमें कहूँ नहीं छुआता। कहाँ से आए भाई साहब? छिंदवाड़ा से सर। छिंदवाड़ा जो है आस पास, जो भोपाल बार हो? नहीं सर, नागपुर। नागपुर छिंदवाड़ा आ रहे, इतने का कर रहे कहेंगा रहा है, वो तो 1000 किलोमीटर हुई है चाहे। नहीं सर, 400 किलोमीटर। 400-500। अच्छा ठीक है, हमें कौन बोलो क्या बात है? सर मेरा बेटा बहुत परेशान है सर। क्या हुआ है? तबीयत सर। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अरे माइक ले आओ, तुम बोल नजदीक हो, आओ पढ़ो। तो घर में तंगी, बच्चा बीमार रहता है, झटका लगते हैं, फिट की बीमारी बनती है, अंगों में शिथिलता हो जाती, अकड़ जाता है, कोई भी तंत्र बाधा नहीं, ब्रेन से दिक्कत है, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। बोली वागे सरदान सरकार की। पर्चा बता, माइक लेके जो ही बोल लो पर्चा। हाँ सर, यही है, आओ
पहले से बता तो ना दो तो का हुआ, पेशी करो ये आराम लगे, ग्यारह पेशी में आराम लग लग लगन लग है, शरीर अकड़ जात, पैरन में दिक्कत हो, कई बार फंसू कर फेंक जात, एक दिन में तीन बार जो है कई बार आता है, कोई भी तंत्र विद्या भूत बाधा नहीं है, इन चक्करों में तुम पैसा बर्बाद कर चुके। माइक ले रहा हो, रेलगाड़ी अभी चल रही सुपर फास्ट, तो जो है कई जगहों पर आप पैसा बर्बाद कर चुके हैं, एक तांत्रिक के चक्कर में भी आपने पैसा बर्बाद किया है, जिसको आपने लगभग 75,000 के लगभग का पूरा बिल आपने दिया है, आगे नहीं देना है किसी को, कोई भूत बाधा नहीं है, बब्बा जी ठीक कर दें, जय आशीर्वाद है बजरंग बली की जय। जो शंकर जो तोरो मंत्र है जो ही पढ़त रात बेटा, बहुत बढ़िया, बालाजी कृपा करें। घर पर तीन दिन की अखंड ज्योति जलाऊं ने, पांच मंगलवार चोला चढ़वाऊं, ध्यान से सुन लो, हमारी अगर रेलगाड़ी छूटी हमें नहीं रात ध्यान, पांच मंगलवार चोला चढ़वाऊं ने, चोला शुद्ध सरसों के तेल को चढ़वाऊं ने, शुद्ध सरसों को तेल निकलवाऊं ने, उको चोला सरकार हम मालिक हैं, कोनो भी स्थान पर चढ़वाऊं ने, और जो चोला चढ़वे तो जो पंडित जी भूदेव ब्राह्मण देवता जो है चोला चढ़ावे, उनसे निवेदन कर लेने के गंगा जल हमें मालिक के चरणन को जल हमें दे दो, एक कटोरी में भी धलने हैं, ओई रोगी हाँ यानी बालक हाँ पिबाऊ ने, हमारी गारंटी है बब्बाजू हमारी बाणी पे लाज राख हैं, 2023 में कार्तिक यानी दीपावली के 17 दिन बाद आपके बालक को 80% आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। अब भैया पेशी कर है ता कृपा हुई है, नहीं तो मैं भगवान नो ही मोहे तो जैसी प्रेरणा दई सो मैंने तो बता दो, माइक से जो बोलने नहीं था आदमी कहे साठ गांठ बना रहे, अब बोल। गुरु जी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, अच्छा मतलब यूट्यूब में देखकर आया हूँ, यूट्यूब में तो गलत भी नहीं पहुँच पाया हूँ, अच्छा तुम्हारी लग गई यार जी, नहीं तो साल साल भर से फिर रहे आदमी है, एक एक साल में भी अब पा रहे नहीं पर पाता, भाग्यशाली है, जा खुशी रहा। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय जय। इसके बाद श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, तकिया कहाँ गई बेटा, रखबे छाने आए, आप आ जाओ, पीली साड़ी पहने जो माता जी बैठी पीछे आपके, हाँ झुक रहे, आ जाइए माता जी, आप बैठ जाओ, इन्हें बैठा रो दादा, इन्हें बैठा दो, वो पीछे वाली माता जी को बुला लो, जल्दी हाँ जल्दी आओ माता जी, जल्दी आओ, मन में सभी राम नाम का जप करो। बालाजी यहां जहां से बुलाने हो ये वे उतन से बुला लें, ऊपर आ जाओ बहन जी, साथ में कोई है आपके हो तो बुला लीजिएगा, आप बैठो जब तक, ढंग से बैठो भैया, नमाज नो ही पढ़ने हैं, आओ तो ऐसे बैठ गो, मुझे बड़ी दिक्कत, नजदीक आओ, आपके नाम से अर्जी लगी, आप बहन जी प्रश्न करें। अरे माइक लो ऐसे ना बोलो, राम है हमारा बेटा, हाँ सुन बोल नहीं पाता, वाह और कोई बात, नाम बड़ा प्यारा है, और कोई बात, नजदीक आओ पढ़ो, दो प्रश्न आए हैं आपके, आपने पूछे नहीं लेकिन हमें बताने में बाध्यता है क्योंकि हमें आदेश दिया, घर में कलेश बना रहता है, राम बेटा की परेशानी लेकर आई, जन्म जात उसे दिक्कत बनी हुई है, जन्म जात दिक्कत बनी हुई है, अंगों में शिथिलता सुनाई नहीं देता, देवी पूजा कुल की करें तो निश्चित रूप से कृपा होगी, 30% आराम धाम से लग जाएगा, आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की, आपके कुल में देवी है, हाँ उन्हीं की सेवा करनी है,
राम को राम का ही मंत्र दे दिया, ये वाला पांच माला करनी, ये उठाना बेटा जरा, पूरी पन्नी उठा दो। गुरुजी हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पर्चा वहीं जपा दो बेटा। कहाँ के हो बहन? इतनी क्या आरे था क्या? जब अभूति की मालस करने गंगा जल लेता ही शिशिया में, हम दवाई बना दे। हनुमान जी पे छोड़ो, हम कुछ नहीं जाने, बालाजी जाने, उन पे छोड़ो, उन्हें तुम ले वाले आइयो धाम पे, हम उपाय कर देंगे। हाँ धाम पे ही लाने, इतने अबे दर्शन तो करवा ही दियो, इतने कथा में तो आओ ही आओ, लेकिन जो है धाम पे पहुँचना। ठीक है तो धाम पे पहुँच जाओ, भोपाल में राहत हो। हाँ आओ, ठीक है तो जो है आप भोपाल से अभी दर्शन यहाँ करवा देना, कल दरबार लगना है तो कल बालाजी के, ये बालाजी को प्रणाम करवा देना। इसके बाद में फिर जो है मंगलवार की पेशी में वहाँ लुवा जाना, तो झाड़ा लगेगा तीन बार, तो वो हमें ध्यान करवा दियो, ताकि टाइम लेके भर जाइयो तो भीड़ ज़्यादा हो। मंगल हाँ तो आपको पर्चा बन गया तो तुरंत नंबर आ जाओ करें आशीर्वाद। चलो बालाजी मनोरथ पूर्ण करें, खुश हो। देवी पूजा बहुत ज़रूरी है, चूँकि कुल की देवी बड़ी आपकी बलवान है, उनकी देवी पूजा अवश्य करें। विराज जाओ सभी, इतना तो जगह है अबे भैया, इतनी अबे भीड़ नहीं मची है जितनी तुम्होंने बनाया। विदिशा वाले दिखावा ज्यादा कर रहे, विराज जाओ, बैठ जाओ बेटा, रहो पाप नहीं पन्ने, बैठ जाओ जहां जगह हो तई विराज जाओ। अच्छा कथा में कोको नहीं आए, दो ही हाथ उठाइयो। अच्छा उल्टो पूछो, आ है कोको, स्वार्थी है आदमी, बोले दरबार भर में चलो पर्चा भर बनवाओ जो उनमें दिक्कत हो। बोले हो गई कथा, था महाराज अपनी तीन घंटा निकाल लियो, भाड़ में जाओ। आओ कह जाओ जितनी जितनी भीड़ आओ, कर कथा की है आओ दरबार की। अरे बोले भाड़ में गाओ, चमत्कार देखो, श्री सीताराम भगवान की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। आ जाओ माता जी, आप बहन जी चश्मा लगाए, आपसे ही बोल रहे हैं जो चश्मा लगाए बहन बैठी, हाँ जो बांधे हुए आ रही। माइक लो बहन, ढंग से बैठ जाओ, नजदीक आ जाओ बहन ताकि पढ़ सकूं। कहां से हैं? विदिशा, माइक से बोलते जाओ बहन। विदिशा से। पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं? किसी को। बोलिए क्या बात है? थोड़ी शादी को लेके परेशानी चल रही है। हाँ। छह सात महीने से क्या हो गया? घर में शादी को लेके परेशानी चल रही है। हाँ। वो नहीं पा रही है। आप क्या चाहती हैं? शादी चाहते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ और विषय आया है इसलिए हमने आपको बुलाया। यही एक बात है, बाकी और यही एक बात है। ठीक है आइए पढ़िए। घर में कलेश व तनाव व उपद्रव बना हुआ है, माइक पकड़िए, हाँ या ना, जहाँ गलत बोले तत्क्षण टोकिए। घर में कलेश बना हुआ, उपद्रव बना हुआ, स्वयं का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, शादी शुभ नहीं हो पा रही, व्यवधान बन रहे हैं, जिसकी कामना लेकर के आप आई हैं। पूर्व में स्वयं के मनोभाव से चाहती थी, अब आपकी अरेंज मैरिज हो जाएगी, अगले वर्ष योग बन रहा, आशीर्वाद है। भोली भागे तुरदान सरकार की, हनुमान जी महाराज की। विगत 2018 से परेशान है इस विषय से, माइक लिए रहिए, सन 2018 से परेशान है, और विवाह में रुकावट का मूल कारण एक त्रुटि आप कर चुकी थी पूर्व में, माइक से बोलते जाइए। ठीक है, एक गलती आपने की थी, वो अड़ंगा बना हुआ है जिस कारण से तनाव है, और तनाव इतना भयंकर है कि वर्तमान में मरणासन्न जैसी स्थिति बनी है घर पर, इसीलिए हमने आपको बुलाया है, इसलिए आपसे कहा कि आप क्या चाहती हैं। तो आप परिवार की स्वतंत्रता के साथ शादी करेंगी कि अपनी स्वतंत्रता से? परिवार की। पक्का ये निर्णय हो गया? जी।
तो 2022 में रवि नाम के लड़के से विवाह योग बन रहा। आशीर्वाद बोलिए सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। धाम पहुंचना है, कात्यायनी माता का उपाय करवाना है, कात्यायनी माता का पाठ करवाइए। कात्यायनी माता का पाठ घर पर करवाइए। हमने चूंकि बहन आपकी बेइज्जती के लिए नहीं बुलाया, चूंकि जो विषय आपने फंसा रखा था बहुत भयंकर और इसी को लेकर के तनाव में थी, इसी विषय को निपटाने के लिए हमने आपको बहन बुलाया। आप तो पहली बार विदिशा की हैं। अच्छा, कुंडली में दोष भी बताया है, कोई नहीं, कात्यायनी माता का पाठ करो, बालाजी कृपा करेंगे और हनुमान जी महाराज दया करेंगे। लेकिन वो बहन ने हो तो जरूर दइयो। हाँ खूब खुशी रहा, बालाजी कृपा करें। बहन जा गला ना दे, घर पर जो है जाते ही 3 दीपक जला देना बालाजी महाराज के नाम से, सन्यासी बाबा के नाम से, तो जो उपद्रव भयंकर मचा हुआ है वो शांत हो जाएगा, सभी के विचार समयोजित हो जाएंगे और जो विचारों में भिन्नता है और जो उन्हें भय बना हुआ वो भय भी खत्म हो जाएगा। ये बालाजी से प्रार्थना है और इस गद्दी से आशीर्वाद। चलो बहन, उठा लो बहन बैग, बाना छोड़ के जाइयो, नहीं तो घर बारी और हमें घर यहाँ के ठटरी को बरो हैं सोया। आओ आओ, इसके बाद श्री सीताराम भगवान की, बालाजी महाराज की, देखो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वही पूछें जो आप सुन सकें। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमें बेइज्जती करवाऊं ने तो हम कर भी बैठे, कहा है कॉल नहीं खाए, कहा टोपा लगाए सर में आ जाइए। यस वेलकम टू, टोपी नहीं टोपा कही, पीछे वालों टोपी ना ही कहते हैं तो टोपिया पहने वो भाई साहब राजा बिराजा। बागेश्वर धाम की जय। बैठिए, कहाँ से आए आप जी? मसूदपुर है? मसूदपुर कहाँ पड़ता है? कुरवाई रोड पर, इतना ही कहूँ है नहीं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर। अच्छा, आसपास है विदिशा के, भोपाल के? जी जी, ऐसे ही कछु है। पहले से किसी को विषय बताया तुमने? नहीं नहीं। आपकी पढ़ाई क्या है? एमए किया है। एमए, अरे हमसे बहुत आगे हो तुम तो। आप मानते हैं कोई पहले से बिफोर टाइम लिख करके रख सकता है कि आप बोलेंगे क्या? नहीं, मानते तो हैं। मानते हो? चलो तो पूछ लो, माय भाड़ में हाथ की समस्या है, हाथ का है। क्या नाम आपका? नितिन दुबे। पिताजी का? श्री ब्रजेश दुबे। अच्छा, यहाँ पे किसी को विषय बताया तो नहीं? हमने लिखा हाथ में सुन्नपन है, नसें ब्लॉक हो गई, चोट लगने के कारण है, काम सभी रुक रहे हैं, आराम लगेगा, कृपा होगी, पिता ब्रजेश हैं, पितृ दोष मुक्त होंगे, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। माइक लीजिए, हाँ या ना? सही, यही बोल रहा पर्चा, गलत तो नहीं बोल रहा? जाओ, आशीर्वाद है, आराम लगे, धाम पे आ जाइए। धाम तो हम एक बार अर्जी लगा आए। अच्छा, हमसे पर्चा बना क्या आपका? नहीं, पर्चा हमसे मिले आप? नहीं नहीं, अर्जी लगा कर आए। मतलब नारियल बांधा जी, यही कहना चाह रहे हैं? हमसे तो नहीं मिले आप? अभी नहीं। हमें बता तो नहीं दो तो पहले नहीं, से उतरे पर घोषणा तो नहीं करी थी कि हमें जा दिक्कत है? अच्छा था, ठीक है, अर्जी लगा। हाँ, बालाजी जो मंत्र लिख दो की 3 माला करो, नहीं तो कई आदमी सोचने लगे कि जे तो पहले ही हो आए थे, बुला लाओ तो महाराज ने कि हम चमत्कार तोरी नाव को दिखा दे भी आज। लगाने तो इसलिए कहते गुरु जी की वहाँ पे अर्जी लगाओ तभी आप, तभी स्वीकार होती है, नंबर एक का काम किया है। पर कई भक्त ऐसे होते जो नहीं जा पाते और उनका भजन बल ज्यादा हो या समस्या अति विकराल हो तो हमारे गुरु जी सन्यासी बाबा हुए भी उठा लेते। बोलिए सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। कितने समय तक आराम लग जाएगा? समय लगेगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सभी नसें ब्लॉक हैं, हाथी बिल्कुल भी नहीं चलता, सुन बिल्कुल उसमें वो ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, क्योंकि सभी नसें ब्लॉक हैं। तो एक तो दवाई मिलेगी, वहाँ लेप मिलेगा, झाड़ा लगेगा, भभूति की मालिश करनी है, धाम की पेशी करनी है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे आशीर्वाद। पेशी 21 करना है, बाकी जे बता दें कछु तो जे ही हो ना जानन लगे, हाथ चालू हो जाएगा। हाँ, आशीर्वाद। चलो
देखो मूर्ख तुम बनियो ना, अगर तुम हाओ में हाओ के हो तो कई लोग हैं तुम अंधविश्वास में डार हो। हाँ जी या ना जी, सही बात है। लेकिन जो कह दई कटवे बारो ना बब्बा जी बैठे पाछे साक्षात। श्री सीताराम भगवान की, बोलो बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की। यही गली में जोन भी दादाजी बैठे पेंट में खुजा रहे, आ जाओ। हाँ आ जाओ, कहा खुजा, ठाड़ो हो जा, हाथ में मोबाइल ले जोन हमें दिखाते सफेद बारे बारन बारे। हाँ आओ, तुम्हें उबन हो रही जा, भो बुद्धि को तेज है जो। लेकिन हमारे हनुमान जी भी ज्ञानी नामाग्र गण्यम। हाँ बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी वही हैं जिनकी बुद्धियों में, बुद्धि के दाता। हनुमान जी बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि के दाता। एक होत सामान की फैक्ट्री हनुमान जी, बुद्धि की फैक्ट्री यहाँ है। जय श्री सीताराम। कहाँ से हैं? मिंद्रवास से। विदिशा? नहीं नहीं, माइक लीजिए। विदिशा है प्रॉपर, मिंद्रवास का हूँ। अच्छा, इनका पत्नी का सर दुखता है। एक मिनट। बैठ जाओ भैया, उनके बगल में ना खड़े हो, उन्हें और ज्यादा आवेश आए। उनके अगल बगल वाले बैठ जाओ प्लीज। कहाँ? अच्छा, इतना ही से आए आप। पूछिए, माइक लो, अब विषय करो अपना। हाँ, और कोई बात? अच्छा, नजदीक आओ। हमने लिखा, भजन करें जीवन उन्नत होगा, बहुत चतुरता करते हैं जिससे शारीरिक कष्ट व तनाव बना रहता है, पत्नी को माइग्रेन की शिकायत है, संतान नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति से अभी भी संतान हो जाए, आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से संतति होगी, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग आपको करना पड़ेगा, वैज्ञानिक पद्धति से अभी भी संतति होगी, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। माइग्रेन है, माइक पकड़ो, डॉक्टर ने भी यही बताया है, नस तड़कती है, दाहिने अंग में दिक्कत है, नस तड़कती है, 2012 से परेशान है, कई बार दवाई करवा ली, आराम नहीं लगा, गोली भर में आराम लगता है, सिर पर बोझ बनता है, रोने लगती हैं, त्योहार या तनाव या बहुत ज्यादा भीड़ की आवाज सुन करके असहनीय दर्द बन जाता है, 2 बार झाड़ा लगवा चुके पर आराम नहीं लगा, कई दरबारों में पूर्व में हुआ है संतान को लेकर के, इसलिए भगवान के ऊपर के नाम से आपका विश्वास उठ गया है, इन सबको केवल तमाशा और खेल भर मानते हो, इसीलिए तुम्हें हमने वतन से उठवाओ। बोली सच्चे दरबार की। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, यही तमाशे। हाँ फिर हमने तुम्हें बुलाओगे, हम तुम्हारी नाक सी काट दे भी, आओ तुम। सही बात। हाँ या ना? हाँ। लेकिन अब है विश्वास। बिल्कुल, वो पहले सही था। हाँ बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। इनके दर्द में 4 दिन से तो हो रहा होगा, अब ही करें दई तो पाए भैया। जो है मंत्र तुम आओ, चूंकि तुम देवी भगत हो। माइक लीजिए। हाँ, आप देवी भगत हैं, देवी की खूब साधना करते हैं, पूर्व में 10 महाविद्याओं में भी साधना का योग बना था पर मन विचलित हो गया था, और मन विचलित के बाद फिर उच्चाटन हुआ, उच्चाटन के बाद आपने देवी साधना बंद कर दी, पर देवी पूजा कर रहे हैं। जो तुम्हारा विवरण है अब तो नहीं, तुम्हें तमाशो लग रहा होगा, सब गुरु हैं एक सोना समझियो, जैसे ठठरी परिवार आए गुरु जी, बहुत हम उल्टे हैं हम, और ऐसे आदमी तो हम उड़ा चले गया, आप अकड़े जब तो पेंट खुजाओ, तुम्हें से उठा लो, नस चढ़ गई थी। आओ, नस चढ़ गई थी, लेकिन हमने उठाओ यही यहाँ, कि जो बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत चतुर है, हैं तुम समझ रहे थे कि वाई फाई मिल व्यवहार है,
कहा जी इतना ही बैठे बैठे सोच रहे थे, बोले हमारा तो लगना ही नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब बोले यहाँ से कुल्ल जनन होवाए कछु नहीं होता, कई जगह देखे आए। अच्छा आदमी ज़्यादा जगह हुआ है सब हाँ एक जैसो तो वह मानन लगत, लेकिन घाटा खा जात कबू कबू ककरा के धोके हीरा खा जात। अच्छा बैठी वहाँ मुठ्ठी बांध के अभी कर रहे हो पाए तत्ण काल को कोनो विषय ही नहीं है, फिर धाम पे झाड़ा लगा। हाँ आप नीचे जाओ, राम कहो चाहे जहां रहो, बोलो सीताराम सीताराम, सामने आ जाइए माता जी, मुठ्ठी बांधिए दोनों। हाँ खड़े रहिए या बैठे रहिए कोई दिक्कत। बोलो सीताराम, दोनों हाथ मिलिए, ऐसे तीन बार सिर में लगाइए। एक बार स्थान छोड़िए, चलिए थोड़ा सा। अब आपकी पीड़ा कैसी है? अब पीड़ा कैसी है? माइक लीजिए। आप कम हो गई है? झूठ तो नहीं बोल रहे कि हमने चुटकी बजवा दी, सुकाती हो देख के महाराज ने चुटकी बजा दी? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें लग रहा है कि हम हल्के हो गए हैं। जाओ तो आशीर्वाद। हाँ। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। झाड़ा धाम पर एक बार और लगवा लेना है, बबूती रोज लगाने, अब तमाशो न मानियो, बब्बाजू बैठे पाछे। हाँ नहीं हम तो हरामिया है, हम लोग हनुमान जी तो पाछे ही बैठे। जाओ आशीर्वाद। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान इंसान ही रहेगा, गुरु हो सकता है। हाँ देखो भाई हम तो साफ बोलवे बारन में से आए, चाहे जो हो को हानि हम छोड़े, अपने आप हानि छोड़े तो मैं का छोड़ भी। श्री राम जय राम जय जय राम। इसके बाद आप आ जाइए माता जी, पील पाई के पीछे बैठी जो आप बैठो, माता तुम बैठो बीच से, वहां से बुलाया आप दोनों बैठ जाओ। हाँ वो जो खड़ी हुई हैं बीच वाली खड़ी हुई हैं, आप बैठ जाओ माता जी, आप तीनों बैठ जाओ, वो आ रही हैं। हरी शरणम भैया जो यहाँ ना भरो ज्यादा है तन हमें करने करने भी है भाई भैया। श्री राम, साथ में जो भी हो तुरंत चले जाओ भैया। आ जाओ बहन, आ जाओ साथ में। कौन है? कहाँ से हो आप? नजदीक आओ। खमरिया सागर के पास, खमरिया गांव। नजदीक ऊपर आ जा, बखरी में सींग नो लगे कि मैं मार आता हूं। माइक ले, पहले से बताओ तो नहीं है काऊ ना, पूछ तो नहीं लो, बोलो कार जी। हाँ हमने लिखा, सुनो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, भूत बाधा आती है, शरीर में सवारी आती, भाव खेलती, कई जगहों पर हुआए हैं, किया गया प्रयोग है, रज्जन नाम के तांत्रिक ने इनके ऊपर भूत बाधा रखी है, कट जय है, आराम लग है, आशीर्वाद। भोली बागे सरदान सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। मुट्ठी बांधिए, प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचना है और धाम की पेशी करनी है बालाजी की, वहां प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, वही प्रेत उपद्रव मचाता है, कलेश मचाता है, शांति नहीं रहती है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है और घर का उपद्रव मचा हुआ है, यह प्रेत बाधा के ही कारण है, गंदी विद्या का प्रयोग है, शमशानी प्रेत का प्रयोग है, शरीर पर सवारी देता, कंपन बनाता है, गला पकड़ता है। माइक लो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, आराम लगेगा। मुट्ठी बांधो दोनों। आराम तो एक बार अभी गए थे हम बागेश्वर धाम, आए जब से आराम है। वाह बोलो बालाजी महाराज की जय। हमसे मिल लो तो होते का नहीं, आप नहीं मिले गुरु, हम नहीं मिले, बालाजी के दर्शन करे, दर्शन करे जी, महिमा है बागेश्वर बालाजी की।
भोली बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की। ये उनके लिए बात है जो कहते कि महाराज जी नहीं मिल रहे, अब हमारा तो काम ही सफल नहीं होने आए, जॉब और दुनियादारी। भैया महाराज की कोई क्षमता नहीं है, महाराज केवल माध्यम है। पूरी महिमा बागेश्वर धाम की है। अगर सच्ची श्रद्धा से तुम जा रहे, पेशी कर रहे, लहसुन प्याज बंद कर रहे, तो हमें विश्वास है तुम खाली हाथ न आओ, ये पक्का है। वहां नीचे बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाइए जरा। आओ जो पर्चा ले लो, तुम भी जाओ। तुम का करो, कौन भोजन हमें करवाओ, वहां बैठ जाइए जरा। ऐसा मुंह बालाजी की तरफ कीजिए। जितनी भी सवारी है, शक्ति है, मार लगाई जाए सेनापति, मार लगाई जाए। और तेज मार लगाई जाए सेनापति, पूरे शरीर में चमीटा मारे जाए इसके। तब तक यहां क्रम चले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। बोलो प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय। इसका गला छोड़ दिया जाए, मुखिया जी गला छोड़ दिया जाए, रोगी का गला छोड़ दिया जाए। पीछे में टोपी लगाए काली वाली, सफेद स्टॉल डाले हुए हैं जो, खड़े हो जाए, आ जाए स्पीड में। शायद तुम्हें जैसे मंजिल मिले तो आदमी कितना तेज आऊ। थोड़ी जल्दी आइए भैया। भोले बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की। नजदीक आओ भाई, पढ़ सको ताकि। कहाँ से हो? धोबी खेड़ा। कहाँ पड़ता है? शमशाबाद रोड पे, आसपास का। यहाँ से 40 किलोमीटर। अच्छा, नजदीक। बोलिए क्या विषय? शादी को 9 साल हो गए। संतान चाहूंगा। जी सर। एक विषय और पूछो, एक प्रश्न और लिखा है। समस्या है शरीर में। अच्छा, पढ़े लिखे हो? पहले से बताया तो नहीं? नहीं। आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या आप मानते हैं कोई बिफोर टाइम पहले से लिख सकता हो, या बैठने के पहले जान लेके आप ये बोलेंगे? सिर्फ बालाजी सरकार ही कर सकते हैं। वाह, बोली बालाजी सरकार की। आओ जल्दी से। जीवन उन्नत होगा, वर्तमान में आप तनाव में, शिव पूजा करें, संतान कामना 100% पूर्ण होगी, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। धाम पर आना है, गर्भाशय में दिक्कत है, गर्भाशय में दिक्कत है। डॉक्टरी भाषा अनुसार शुक्राणुओं की कमी बताई गई है। दो दिक्कतें हैं, बीच बीच में नॉर्मल रिपोर्टें आपकी आई हैं। कई बार आपने औषधीय प्रयोग भी करवाया है, व कई बार मंत्र प्रयोग भी करवाया हुआ है। शिव पूजा करें, हमारी पद्धति अनुसार जो हमें अंतरंग प्रेरणा बालाजी की लग रही है, श्री बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की प्रेरणा, के आपके घर पर शुभ मंगल समय 2023 में आ रहा है। 2023 में फाल्गुन महीने में आएगा, और फाल्गुन महीने की चौथ में आएगा आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। बात एकदम सही? बिल्कुल। भैया कोक का बंधन भी है मंत्र विधान अनुसार, इसके लिए विधि हम धाम से करेंगे। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें जी प्रतिदिन। जी, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन, मंत्र का जाप करें, बालाजी पर निष्ठा रखें। औषधि जो शारीरिक कमी है उसकी औषधि प्राप्त आपको धाम से होगी। आप बहुत अच्छे भक्त हैं, ठाकुर जी और बालाजी को खूब मानते हैं जी, तो उनकी कृपा बनी रहे। ठाकुर जी की एक जगह आपकी घर की मूर्ति में चटक आ गई है, वो जरूर देख लेना, वो विसर्जित कर देना, क्योंकि अलवारी में स्थान दिए हुए हैं, अलवारी में, दूसरे खंड वाली अलवारी में आप स्थान दिए हुए हैं, जहाँ सफेद कैन रखी गंगा जल की। जी 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 बिल्कुल। बोली सच्चे दरबार की जय। तुम्हारे हम घरेलो घुस गए, हम बहुत खतरनाक कहा है, कर जाओ। बालाजी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज तो भैया बड़े बड़े नेता आ गए दरबार में, भोपाल की तो राजनीति का कर रही है। बेटा खुश रहो।
बहुत अच्छे आए। और कौन आया है? अच्छा परिवार आओ। अच्छा बहन जी भी आए, चलो बहुत अच्छे। नहीं सब नेता जरूरी है। श्री राम, जय राम, जय जय राम, बागेश्वर धाम की जय। चलिए उसके बाद पहले ये हमने पर्चा लिख लिया, हमें पता नहीं किसका है, जो पहले खड़ा हो जाए उसी का है। लाल तौलिया बांधे खड़े हुए आपका है, बाकी सब लोग बैठ जाएं। आप भी दादा आगे आ रहे हैं जो नहीं आगे बैठ। हाँ हाँ सिर पर बांधे आ गए। अभी तक तो जिन्हें हम बुला रहे थे हो सकते थे महाराज के साठ गांठ वारे हों, अब ऐसा भी हो सका। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? अब ये जो बोलेंगे वो वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे में भरो धरो। इनकी क्षमता नहीं है कि बाहर बोल जाएं, इनकी क्षमता नहीं है कि ये बाहर बोल जाएं, वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे में। हमारे बालाजी यहां पतो तो उठे को, यही वर्तमान में महिमा है बागेश्वर धाम की। तब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, न्यूज 18 इंडिया जैसे बड़े बड़े चैनल बागेश्वर धाम पर गए, उन्होंने शोध किया, अंत में वो भी शरणागत भय, बोले कछु ना कछु तो। अब वो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। आइए नजदीक बोलिए क्या बात। अब लेकिन नजदीक आ जाओ तुम बोलो ताकि लोगों ना पता लगे तुमने जो पूछो पर्चा में जो लिख के आओ। लोगों का विषय है आपका थोड़ी विषय है। क्या हो गया है? माइक चालू है भैया। मैं कष्ट, हाँ जामदार डॉक्टर ने बोली थी ऑपरेशन हो नहीं सकते आए, 14,500 रुपया को एक इंजेक्शन 3 महीना में लगा तो। काहे को? वो हड्डी टूट गई थी एक्सीडेंट हो। अरे राम राम। और उसके बाद 10,000 रुपये पर महीना की दवाई। अरे अरे। तो 4 तारीख महीना तीसरो दमोह से हम जुड़े, आज तक कंटिन्यूनर बालाजी धाम जाते हैं आउते हैं, जहाँ भी कथा हो रही। आप नागपुर गए थे भिलैया में, हमने स्वागत करो तो घर के सामने। वाह। और छतरपुर कथा में गए, जतारा कथा में गए, दमोह कथा में गए, हटा में कथा में गए, इत्यादि कथा में आए। महोबा भी जय हैं, नौगांव भी जय हैं, टीकमगढ़ भी जय हैं, तो जहाँ भी जय हैं तो जय हैं ही हैं। भाई हमारी इच्छा थी 22 तारीख को आपको नागपुर जाबो तो अगले महीना रक्षाबंधन को। अब गलती में सुन भी लग गए, हमने लोगों से चर्चा करी, लोगों ने कही आप जैसे भक्त और गुरु जैसे बहुत गुरु हमने देख लिया भिलैया में, कबो नहीं रुक सका धाम पे। आप फिर नागपुर 22 तारीख क्लियर भाई, मंगलवार को हम पहुंचे, रात में 12 बजे वापस भिलैया आए, सवेरे से तैयारी चालू करी। आप सागर नहीं रुके, सायगढ़ नहीं रुके, हीरापुर नहीं रुके, बंडा में 2 जगह रुके, उसके बाद आप भिलैया ग्राम में रुके, लगभग 20 मिनट रुके, 17 मिनट आप कंटिन्यू रुके, वो भी लोगों की थोड़ी सी गलती के कारण आप नहीं रुके। और 3 घंटा में सारी व्यवस्थाएं बन गई और हम लोग व्यवस्था वाले कुछ नहीं थे, 4-5 लड़के थे टोटल, बाकी कुछ लड़कों ने थोड़ी सी परेशानी तैयार कर दी, माने नहीं तो आप थोड़े से हम जल्दी भग गए, जल्दी भग गए, नहीं तो और रुकते। और आप घोषणा भी कर रहे हैं कि 2022 में आपको तारीख दें, भिलैया हो चाहे भिलैया हो, एक बार हम आपके थे पधार है तो गुरु जी हो ही में लगे कि आप तो तारीख दे दे बस। जो चेला खतरनाक फंसो, पर्चा की हमें जरूरत नहीं थी, वो तो हमें आज मिलने तो मिल लो, जाम हमारे सब हो गए और हो रहा है और आने भी बढ़ जा रहे हो जा रहे। वाह। और हम अकेले क्षेत्र से अकेले जाते हैं, 125 आदमी वहां से कंटिन्यूनर जा रहा हूँ क्षेत्र से, 125 लोग कंटिन्यूनर बागेश्वर धाम। हाँ, और हमारे पास साधन नहीं है तो हमने जीप ले ली 2 लाख रुपया की जो बागेश्वर कंटिन्यूनर चल रही, चलो फ्री सेवा कुछ नहीं जाना, डीजल लगाओ चले आओ, धन्यवाद। 5 लोग अब वहां संगे आए, घर से बुला के ले आ रहा था 12 बजे, चले आओ चले जाओ कुछ नहीं, चले चलो। वाह अद्भुत निष्ठा।
धन्य बालाजी, तब तो आपकी ही अर्जी इतनी भीड़ में सुन ली और इस विधान से सुन ली तो शायद उनसे हम बुला पाते ना बुला पाते। नहीं आज हम सोच भी रहे थे गुरुजी कि आज तो वो रास्ता में उठे हम के जो पड़ जाए वही को आए, जे को घर से सोच कर चले थे कि जो पड़ जाए वही को आए। हटा में हमने अपने संग बारह से कही के ध्यान रखियो गुरु जी के जो पड़ जाए वही को आए, खड़े हो जाए, मगर क्षमता नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक पहले खड़ो हो जाए या बिना बुलाए खड़ो हो जाए। अद्भुत भक्ति भाई, तुम्हारी भक्ति के सामने हम मौन जो है, कुछ वो सब सत्य है। आओ नजदीक गुरुजी, आप तो बोल दे बस, जो लिखो सब सत्य है, सत्य सत्य 1001% सत्य 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 सत्य। ये निष्ठा, वाह वाह। आप तो तारीख भर 2022 में भिलैया में एक दिन की रहते, जैसे जो भी व्यवस्था बने हम कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे संकल्प जी। बड़े बारे चतुराए भैया देने आए तारीख देने ना देने देने बड़े तुम्हें राणा जी बैठे हुए हैं सबसे निवेदन। पहले तो निवेदन कर चुके, नहीं मिले कोई से नहीं मिले अच्छा। मिले आज तक कोई से नहीं, दूर से हिंदू असलाम है ऐसी ऐसी गुरु जी से नितिन राज सबसे ऐसी ऐसी ऋषि महाराज सबसे। आपके कुल मिलाकर के 3 प्रश्न हैं जी, बिल्कुल है हमारे परिचय में आया, हम पढ़ रहे हैं जो आप कह रहे हैं है। घर में शांति रहे, हमें नहीं पढ़ने, हम पर्चा नहीं पढ़ाई गुरु जी बस भाई या पढ़ दे 3 प्रश्न और जो लिखे वे ही है भाई। अब बात हो गई, अब आप पढ़ दे तो हम बता दें जो लिखे हैं वे ही है, 3 हैं भैया की अच्छा, बुद्धि डिस्टर्ब है थोड़ी सी, मानत नहीं है। हम अगर 5 कह देते तो 5 हो जाते, जो आप कह दे वो हो जाए, जो आप कहो वो हो जाए। आपके कुल मिलाकर के 3 प्रश्न, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, पूर्वज घूम रहे हैं। मूल प्रश्नों में आपके भाई का पागलपन है, दिमागी ये ठीक नहीं है, घर पे आर्थिक तंगी से वर्तमान में जूझ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, आपके शरीर का कष्ट है, वह भक्ति बनी रहे, बागेश्वर बालाजी से जन्म भर जुड़े रहे, ऐसी अर्जी आपने बालाजी के चरणों में। 101% तो कष्ट हमारे दूर हो चुका है गुरु, विश्वास न करो तो। वाह बिल्कुल, 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल नहीं चला पाते हम, सागर से अपने घर से 222 किलोमीटर कंटूनर मोटरसाइकिल से 7 महीना, जो 4 साल से मोटरसाइकिल चला नहीं पाया, स्टार्ट नहीं कर पाया, 7 महीना कंटूनर। दूसरे स्टाप में बागेश्वर और दूसरे स्टाप में घर, 2.5 महीना पहले बालाजी ने जीप लुवा दी। बोली बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आपको 2022 के अंत में हम आ जाएंगे, दरबार ना लगा भी, कथा ना कर भी, तुम्हारा प्रसाद पा भी चले जाते। बोलिए बालाजी सरकार की जय। अब हम तुम्हारी भक्ति के सामने कछु कह नहीं रह पा रहे, हकीकत है पहली बार हम चुप भए, पहली बार हम इतनी निष्ठा के सामने चुप भए, वरना हमारे तो खींच भी वारो काम है, हम बहुत आदमन की खिंचाई के, हम पहली बार, लेकिन बहुत हृदय से हम गदगद हैं, खूब आशीर्वाद, खूब मौज करो, जाओ खूब मौज करो, जन्म भर जुड़े रहो, भैया हलवाले आइयो, घर को बंदेज होने तुम्हारो, एक कवच हमें देने, एक काम अधूरो घर को डलो वो पूरा करवा देवी आशीर्वाद। नहीं मिल पा अभी, पर्चा पे मिल ले हो, तुरंत मिल ले हो, तुम धाम पे मंगल हाँ जाइयो, संगे जो पर्चा उन्हें थमा दइयो, हम डायरेक्ट मिल ले भी। अब तो तुम्हें पुचीन जे भी हम हजार आदमन में, वाह खुश रहो, अद्भुत ये है भाई निष्ठा। ऐसे लगभग बागेश्वर धाम पर हजारों भक्त हैं, अब ना मिल पाने का कारण यही है कि व्यस्तता अत्यधिक, भीड़ ज्यादा, लेकिन अद्भुत ये ऐसी भक्ति अद्भुत है कि एक और भक्त आया था जो उधार रुपया उठा के अपनी पत्नी का जेवर गहने रख करके आया, और बागेश्वर धाम का पर्चा बनवा लेना मतलब आप जंग जीत गए, नेता ना बन जाए जो, हमें डर लग रहा हो चुनाव ना लड़ जाए कि बागेश्वर सरकार ने कह दी हम सब अद्भुत बात भाई। चलिए श्री सीता बैठ जाइए, बिराजिए, सीताराम नाम जप करिए, सर इनके साथ में जो भी हो, रोगी के साथ में एक जने आ जाइए, हाँ हाँ साथी भर आ जाइए, केवल साथी, रोगी को रहने दीजिए, जो साथ में एकदम स्पीड में आ जाइए। कितना बज रहा है, वाह
कल भी दरबार लगेगा, कल हम 11 बजे टाइम पे आ जाएंगे, लगभग 3-3.5 घंटा दरबार लगाएंगे पक्का। तो परसों आप लोगों का भाव देख करके परसों हम भभूति भी बांट दें, फिर हम पर नरसों चले भी जाएं रात ही के कथा करके। 3 दिन की कथा और बची है, परसों 13 है ना, हाँ 13 को निकलना है, कथा करके हम तुरंत निकल भी जाएंगे। लेकिन बहुत अद्भुत भक्ति, अद्भुत भाव आप सबका, हमें हृदय गदगद है। और पुनः विदिशा में आज हम महाराज जी को कह भी रहे थे, 22 तो पूरी फुल हो गई कथा की, 23 की कथाएं भी कुछ, साल 2023 की भी कुछ कथाएं बुक हो गई, और एक कथा हम बनाएंगे पूरा 7 दिन विदिशा को देंगे। अच्छा जो भी है कि जब बात हम कई जगह अके आई थी, जो और सुन लो, जब बात हम कई जगह अके आई, कैसे हमाओ भाव दूसरो प्रकार को, शरीर ही आगे को लोगों खराब है आदमी। अच्छा बामन होता ही है पांव को कच्चो, ब्राह्मण पांव का कच्चा होता, जिसने ज्यादा प्रणाम किया भाव दिखाया वो एकदम टूट पड़त के भाड़ में गाओ। अको अपनो अंग वस्त्र देते है, हम अपनी एक जगह गाड़ी दे आए तो दूसरन की पे चलत फिर रहे, यार भाई साहब दो कथा में जाने कहा कर दे आए सो दे आए, उनको वो शरीर है तो भाव बहुत प्रबल नजदीक आई है। तीन बजे से कथा है, कहाँ से हैं आप? लोकल विदिशा से। बात क्या है? काय का? अल्सर का है, छाला हुआ हाथ में। ये कौन है? चाचा जी का बालक। अच्छा अच्छा, अरे राम राम। चाचा जी की गोली है। बालक को क्या हो गया? राम राम। हमने लिखा गंभीर हालत है भाई की, मानसिक कमजोर है एवं भाई के पूरे शरीर में दिक्कत है। चाचा जी को जो छाला बना उसमें कैंसर के लक्षण है, कैंसर है, छाला बन नहीं है, हमारे परिचय में छाला नहीं आया, कैंसर। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। आराम लगेगा, कृपा होगी, धाम की पेशी करें, कैंसर ठीक होगा, आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय श्री राम। भैया रो जयकारा तो लगा जाओ। घर में स्थान पर आपके दोष है, हमने देखा है इसमें बाधाएं आई हैं, भूत बाधा जोगनी विद्या आई हुई है, जोगनी विद्या के कारण ही एक को पकड़ता एक को छोड़ता, सन 2001 से परेशान है, पूरा परिवार हैरान है, इनका घर पूरा बर्बादी की कगार पर है, सबको पागलों जैसी स्थिति बनाता है, मानसिक रोगी, गंभीर रोग बनाना, एक को पकड़ के एक को छोड़ता। 2001 से जोगनी विद्या बंगाली विद्या है, जिस तांत्रिक ने यह क्रिया की थी दरअसल वो खत्म हो चुका, इसलिए यह विद्या जा नहीं रही, पर बालाजी के चरणों में जाओ, आराम 100% लगेगा। गुड़िया को भी शारीरिक बदलाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दिमागी बदलाव भी हो रहे हैं, और अन्य हरकतें भी इन्हें हो रही हैं, जो बाता जो भाषा हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं। एक बात सत्य है गुरुजी की, बोलिए बालाजी सरकार की। बालाजी कृपा करें, 100% कोई संदेह नहीं, कैंसर की दवाई मिलेगी, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डालनी है, रोगी को पिलानी है, बहन जी को वहां पर जो है उतारा होगा धाम पर, प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाएं, बालाजी को चोला चढ़वाएं, धाम की पेशी करें, हर मंगलवार ना जा पाएं महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जाएं, निश्चित रूप से कृपा होगी, कोई संदेह नहीं, आशीर्वाद। उसमें समय लगे, उसमें समय, चाचा जी को पहले आशीर्वाद, पहले यहां पर हम प्रयोग करेंगे, इसके बाद जय खुश रहो। हरि शरणम। सीताराम ना मताई बैठ जा, हे जगत जननी भवानी काली माता, हैरान ना कर, विराजा माता, विराजा माता, विराजा माता, हैरान ना कर। इसके बाद पहली अर्जी एक तो भूपिंद की डली उधार, अब वो बार बार 2 बार आ चुकी है, आप भूपिंद हो आ जाओ, तुम्हें हम 2 बार बुला चुके, बेल्ट उतारो, भोहरामी हो नंबर 1 आओ, माता जी हैं तुम्हारी साथ में, लवा के आइए, अगर बालाजी को बुलाना होगा तो नाम सहित तुम तो तुम, तुम्हारे कक्का को नाम बुलावे की क्षमता हमारे गुरु जी में है। और ये कैसे हो सकता है, लगाओ बुद्धि, माइक लीजिए, क्या आप भूपेंद्र हैं?
माइक चालू कर जी। पहले से यहाँ नाम लिखवाया था आपने? नहीं। किसी को बताया था? नहीं। किसी ने पूछा था? नहीं। हमें कैसे पता चलो जो बता? विश्वास ऐसा है, विश्वास ही नहीं होगा था कि आप मतलब हमारे लिए ही आए हो, मुझे ऐसा विश्वास था। जब से सुना है ना कि आप विदिशा आ रहे हो, जब से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारे लिए। और बड़ी बात है, बेकार तुम कथा कर भी हो, दरबार लगा भी नहीं आए, भूपेंद्र के लाने हैं यहाँ। माइक लियो, का कहा? हम एक चाहती आप हमारे लिए आए। अच्छा, तो हम तुम्हें लाने आए, जब तो तुम्हें भरा नाम सहित बुलाओ, सभा नहीं बुलाओ, तुम्हें भर नाम सहित बुलाओ जी। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा, जो असंभव वो संभव। कहाँ के हो? यहीं के हैं, विदिशा के। विदिशा के जी। कहाँ रहते विदिशा में आप? हलाली कॉलोनी। अच्छा अच्छा, पूछिए। महाराज नौकरी के विषय में पूछना था कि लगेगी कि नहीं, और माताजी के घुटने नजदीक आऊं? भूपेंद्र नामक व्यक्ति बहुत परेशान है, पूरा घर उजड़ रहा, स्थिर जॉब योग चाहते हैं, कृपा 100% होगी, माँ स्वस्थ होगी, पैर की पीड़ा ठीक होगी, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की। आप तो पढ़े लिखे हैं, यही है, कुछ गलत तो नहीं लिखा? बालाजी कृपा करेंगे, और शायद बालाजी की तुम्हारी निष्ठा लगभग 8 माह हो गई है जुड़े हुए, बालाजी के चरणों से पूर्वी से तुम जुड़े हुए हो, तो बालाजी की यही कृपा के कारण ही बालाजी ने तुम्हारी अर्जी नाम सहित पुकारी, और व्यापार योग नहीं बन रहा, जॉब योग ही बन रहा, जॉब लगेगी लगेगी लगेगी, आशीर्वाद। बोलो आगे सर धाम की जय। सभी लोग जयकारा जरूर लगाए। माता जी झाड़ा हम कल लगाएंगे, आज हम लेट हो रहे हैं, एक दो अर्जी जल्दी जल्दी में और हम लोगों की लगा देंगे, तो थोड़ा लोगों को और भी लाभ मिल जाएगा। इसके बाद माता जी आप आ जाओ, चश्मा लगाए वाली, हाँ 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 हाँ, अब जल्दी से। इसके बाद खड़े हुए में टोपी वाले आपके बगल वाले भाई साहब को भेज दीजिए, इस बगल वाले पीली सी शर्ट पहने, चंदन लगाएं, यस वेलकम टू यू। हाँ आप बैठ जाओ, हाँ हाँ आपको ही। इसके बाद बैठ जाइए, हम खुद बुला रहे हैं, हमें जिनका आदेश लगे वहीं बुला दें, ऐसे तो नहीं तो आफत हो जाए। अच्छा पहले ये दो लोग फ्री हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? कल कर लें चलेगा, आज क्योंकि हम बहुत लेट होते दिख रहे हैं। नज़दीक आए माता जी, आए भी लेट थे। माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है? मेरी बेटी की तबीयत 7 साल से खराब है, नज़दीक आओ, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्या हो जाता है? हमने लिखा बालका स्वस्थ है, शरीर में कमजोरी, शरीर में दर्द रहता, सन 2013 से बीमार है, भूत बाधा का प्रयोग किया गया है, अपच होती, सर में दर्द होता, खाना नहीं लगता, शरीर बार बार समय समय पर सूखता चला जा रहा है, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। खोल दीजिए किसने किया है, हमें बोलिए सच्चे दरबार की। और मुट्ठी खुली है गुरु जी, परिवार में 7-5 सदस्य है, मुट्ठी खुली है, मुट्ठी बंद जाए। हम नहीं बता पाबी माता जी, हम ना बता पापी की ना करो, हम ठीक कर सके, बुरा नहीं कर सके, हमें हमारे घर की तरफ ऐसी दृष्टि ना हो गुरुजी के, हम लोग ये आशीर्वाद है, हम आपकी रक्षा करवा सके। हनुमान चालीसा का जाप करो, बालाजी कृपा करेंगे, जो मंत्र लिखा इसका जाप करना है, धाम की पेशी करनी, आशीर्वाद। चलिए अगला नंबर, बालाजी सरकार की जय। बोले बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय। सद्गुरुवर सन्यासी बाबा की जय। सद्गुरुवर सन्यासी बाबा की, सद्गुरुवर सन्यासी बाबा की, सद्गुरुवर सन्यासी बाबा की जय। श्री राम जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। माइक लीजिए, कहाँ से आए? यही विदिशा से। नजदीक आइए, बोलिए क्या बात है?
भविष्य को लेके बहुत टेंशन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे वाह, मन शांत है, सोच नहीं पा रहे कौन सा काम करें, परेशान चल रहे हैं। व्यापार से आपका मनोरथ पूर्ण होगा, कैरियर स्थिर होगा। व्यापार करें, व्यापार में कपड़ों का व्यापार अथवा जनरल स्टोर अथवा फिर श्रृंगार का सामान, जैसे जो है फेशियल आदि जो सामान की शॉप होती है, ये खोलें। तीनों में आप सफल होंगे, उन्नति करेंगे, डेढ़ वर्ष बाद स्थिर व्यापार होगा। आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय। सभी लोग जयकारा जोर जोर से लगाए, ये ले जाए। बोली बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी के साथ दरबार विराम। देश को